हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मेन बेसिकली तो प्रॉपर्टीज़ है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन तीन की प्रॉपर्टीज़ है। इन प्रॉपर्टीज़ में से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने इसको पढ़ा था, 4-5 घंटे की क्लास अटेंड करके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मेरे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेज में, 9 पेज में ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाता है और इसी में से क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, क्योंकि इसमें से सिर्फ यही वही क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के, इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले 2 तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट जिसमें रैंडम वेरिएबल होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, एक बायनोमियल एक पॉइजन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है विथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन बाय, मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक सिंबल होता है, NCXP(x)Q(n-x)। ये याद कर लेना, जाकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ दिख जाए तो समझ लेना ये बर्नौली है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बर्नौली ट्रायल भी कहते हैं, जहाँ पे एन है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और एक्स है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, इट इज़ ए बाय पैरामीट्रिक। इसमें ना ये बाय पैरामीट्रिकल है, मतलब इसमें 2 पैरामीट्रिक होते हैं, पहला पैरामीट्रिक एन और दूसरा पैरामीटर पी। 2 पैरामीटर होते हैं इसमें, इसलिए इसको बाय पैरामीट्रिक बोलते हैं। एन और पी इसके पैरामीटर है, दिख रही होंगे आपको, NCXP(x)Q(n-x)। तो एन और पी इसके पैरामीटर है, ये बाय पैरामीट्रिकल होते हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है करेक्टरिस्टिक, जिसमें अपन बोलते हैं इसके अंदर ट्रायल शुड बी फाइनाइट एंड इंडिपेंडेंट। जो इसकी ट्रायल होते हैं, मतलब जो अपन जैसे सिक्का को एक बार उछाल लिया वो ट्रायल होता है, तो वो फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट मतलब कोई थोड़े बहुत होने चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, 5, 10, 15, 20 ऐसे फाइनाइट। और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए वो ट्रायल्स। ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विथ 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर। पी एंड क्यू होता है इसमें, पी सक्सेस क्यू फेलियर। ये तो आपको पता है, यहाँ पे दिख के P(x)Q(n-x)। तो पी और क्यू दो चीज़ होती है, पी मतलब सक्सेस, क्यू मतलब फेलियर, ठीक है। दो ही इसके पैरामीटर होते हैं, एन एंड पी। और फाइनाइट ट्रायल होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए और ना 2 पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। एक इसकी करेक्टरिस्टिक है कि जो ट्रायल्स है वो नाइदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल, कि ये सर्टेन भी नहीं होने चाहिए और इम्पॉसिबल भी नहीं होने चाहिए। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए या 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से कम होनी चाहिए। मतलब अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हो ही गई नहीं या फिर ये हो के ही रहेगी, समझ रहे हो। इसके अंदर एक इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अब की बार भी आए थे मेरे वाले में भी, मीन वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में। तो इसका मीन होता है एन इंटू पी, जो इसके पैरामीटर है एन इंटू पी वही इसका मीन है। इसका वेरियंस होता है एन इंटू पी इंटू क्यू, और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता है वेरियंस का रूट होता है, तो अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। इसके अंदर वेरियंस कब मैक्सिमम होता है, जब पी और क्यू दोनों की वैल्यू 1/2 हो, तब वेरियंस मैक्सिमम होता है, इसे सिमेट्रिक भी बोलते हैं। और मैक्सिमम वेरियंस की वैल्यू होती है एन इंटू पी इंटू क्यू, तो एन तो एन नहीं रहेगा, पी की वैल्यू क्या होगी 1/2 और क्यू की वैल्यू होगी 1/2। जब ये वेरियंस मैक्सिमम होगा तो इसका जो मैक्सिमम वेरियंस होगा वो होगा N/4। क्वेश्चन आएगा इसमें सीधा कि इसका मैक्सिमम वेरियंस कब होता है N/4, या फिर मैक्सिमम वेरियंस कब होता है, जब पी और क्यू की वैल्यू 1/2 या फिर सिमेट्रिक हो। रिलेशन देखते हैं मीन और वेरियंस में, तो इसमें जो मीन है वो वेरियंस से बड़ा होता है, क्योंकि आपको दिख रहा है मीन एन इंटू पी है और वेरियंस एन इंटू पी इंटू क्यू है, क्यू की वैल्यू 1 से छोटी रहती है इसलिए छोटा हो जाता है। दूसरा एडिंग प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी, ये देख सको आप, ये तो काम की नहीं। इसमें मतलब ये बता रहा है कि अगर एक्स फंक्शन है बी में एन वन और पी है और वाई में N2 और P है, तो एक्स प्लस वाई में ये बी N1 प्लस N2 और P होगा। स्क्यूनेस की बात करें तो इसमें ना सिमेट्रिक की कमी होती है, ये सिमेट्रिक कब होता है, यहाँ पे वही पॉइंट, जब है ना पी और क्यू की वैल्यू 1/2 होती है तब ये सिमेट्रिक होता है, और जब ये सिमेट्रिक होता है तब इसका वेरियंस मैक्सिमम होता है और इसकी शेप ऐसी होती है बेल आयकर। और जब पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, पॉजिटिव मतलब अपन यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पॉजिटिव स्क्यू मतलब कि यहाँ से सीधा होता है और बाद में आगे जाके ढल जाता है, ये पॉजिटिव स्क्यू होता है। पॉजिटिव स्क्यूड होता है जब पी की वैल्यू क्यू से छोटी होती है या फिर 0.5 से छोटी होती है मतलब, और नेगेटिव स्क्यू में पी क्यू से बड़ा होता है, मतलब 0.5 से बड़ा होता है। और 8 नंबर में मोड,
तो ये मोड है ना, पैरामीटर एन और पी पे डिपेंड करता है मोड। एक होता है यूनी मॉडल, एक होता है बाई मॉडल। यूनी मॉडल में जो अगर एन प्लस वन इंटू पी एक नॉन इंटीजर है तब तो ये यूनी मॉडल होगा, और जो मोड होगा वो इंटीजर पार्ट होगा। जैसे एन की वैल्यू टू दे रखी है अपन को, पी की वैल्यू वन बाई टू दे रखी है, तो इसका मोड अपन निकालने के लिए एन प्लस वन इंटू पी करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2, मतलब 1.5। तो ये नॉन इंटीजर है ना, तो नॉन इंटीजर अगर वो ऐसा आएगा तो वो यूनी मॉडल, मतलब एक मोड होगा उसका और मोड उसकी इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब 1.5 है तो इसका मोड होगा 1। बाई मॉडल में क्या होता है, एन प्लस वन इंटू पी की वैल्यू पूरी पूरी इंटीजर आती है। जैसे कि ये ऑप्शन है एन एन इज गो टू 3 और पी इज गो टू 1/2, तो एन प्लस वन इंटू पी करेंगे तो 2 आएगा, 2 पूरा पूरा इंटीजर है, तो इसको बाई मॉडल बोलेंगे। इसमें दो मोड होंगे, एक प्लस टू, एक 2-1। एक तो देखो इसमें ना एन प्लस वन इंटू पी, और एक उसमें माइनस वन कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 आया, तो एक तो 2, एक 2-1। अब इसको क्यों रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, देख सकते हो आप। इसमें दो होते हैं बाई पैरामीटर होते हैं, दो पैरामीट्रिक होते हैं एन और पी पैरामीटर्स है। इसको एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स से शो करते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये फाइनाइट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ईच ट्रायल एसोसिएट विद टू आउटकम, पॉसिबल और सक्सेस और फेलियर, ना ही तो सर्टन होता ना ही इम्पॉसिबल होता है। मीन वेरियंस और एच डी की बात करें तो मीन इसका एन इंटू पी, वेरियंस एन इंटू पी इंटू क्यू, एच डी रूट होगा इसका। और जब ये मैक्सिमम को, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लो कि इसमें यही होता है, आपके आराम से नंबर बन जाएंगे, आराम से 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे इस चैप्टर से। वेरियंस के देख सकते हो, वेरियंस मैक्सिमम कब होता है, जब पी और क्यू की वैल्यू 1/2 हो, और इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। वेरियंस मैक्सिमम कब होता है, पी और क्यू की वैल्यू 1/2 हो, या फिर सिमेट्रिक हो, या फिर मैक्सिमम वेरियंस की वैल्यू एन बाई फोर हो, या फिर ये बेल शेप हो, समझ गए। रिलेशन मीन बड़ा होता है वेरियंस से। मोड, यूनि मॉडल, बाई मॉडल देख लिया आपने। लास्ट में एक बार इन तीनों का क्यों डिफरेंस बता दूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इट इज़ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या था, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या है, एक तो बाइनोमियल, एक पॉइजन। कंटिन्यूज में क्या है, नॉर्मल, ठीक है। पॉइजन की बात करें, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको अपन इससे शो करते हैं, ई की पावर माइनस एन डॉट एम की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। अब ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको ऐसे का ऐसा पेपर में दिया हुआ आएगा, और उसमें बताऊँ क्या होगा, मतलब सेम टू सेम फॉर्मूला लिख देंगे, और इन इन जैसे ई की पावर एन की वैल्यू लिख देंगे, एक्स की वैल्यू लिख देंगे, और फिर आपको क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि यहाँ पे है ना, जैसे इसमें ना एम इज इक्वल टू मीन होता है ना, तो आपको यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर x। ये ऐसा कैसा फॉर्मूला लिख देंगे कि ये उसका फॉर्म दिया हुआ है, और फिर आपको बोल देंगे कि इसका मीन क्या है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा, मतलब इस थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा कि एम की पावर एक्स होता है, एम मीन होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 की पावर x इसका मतलब मीन 2 है ना, और e की वैल्यू ये होती है, और x होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस। बस इसमें यही है, m m की वैल्यू आपको फॉर्मूले में देके देगा वो, और फिर पूछ लेगा मीन क्या है। तो आपको बस ये याद होना चाहिए कि ये मीन होता है, जाते टाइम लास्ट क्यू इससे कैसे नोट्स बना लेना, या फिर मैं इसको स्कैन करके डाल दूंगा अभी स्कैन स्कैनर से, टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट इज़ अ यूनी पैरामीटर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, m इज द पैरामीटर। ये यूनि पैरामीटर होता है, पैरामीट्रिक होता है, जिसमें एक ही पैरामीटर होता है जो कि एम होता है, और जो कि मीन होता है। पैरामीटर मीन होता है हमेशा, इसमें देखो बाय पैरामीटर है एन एन पी, तो इसका मीन भी क्या हो गया, एन इन टू पी है ना। ये यूनि पैरामीटर है, इसमें एक ही पैरामीटर वो है एम, तो इसका मीन भी क्या हो गया, एम, जो कि जिसकी वैल्यू एन इन टू पी है। फिर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो एन शुड बी वेरी लॉन्ग। इसमें क्या था, फाइनाइट और इंडिपेंडेंट, मतलब थोड़े बहुत होने चाहिए। इसमें वेरी लॉन्ग मतलब इन्फिनिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी के पास जाती है, और ना पी होता है वो बहुत स्मॉल होता है, 0 के बराबर। एन और पी दो चीज़ होती है आपको पता ही है, तो एन तो वेरी लार्ज इन्फिनिटी तक, पी वेरी स्मॉल 0 तक, और एम है मीन, एन इंटू पी रिमेन मॉडरेट एंड फाइनाइट। ये एकदम मॉडरेट होता है, मतलब ठीक ठाक रहता है 20-30-40 जैसे। मीन वेरियंस और एस टी की बात करें तो इसमें मीन और वेरियंस दोनों बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ना ऐसा ना कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन और वेरियंस की वैल्यू बराबर रहती है, या फिर बोलता है कि विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें एक देखा है मीन बड़ा वेरियंस से एक डालता है, मीन छोटा है वेरियंस से एक डालता है, मीन इज टू वेरियंस। तो आपको बस ये याद करना है, एकदम छंटा हुआ माल मिल रहा है आपको, सोच लो मैंने 5 घंटे की क्लास से सब मिल रहा है ये माल। मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी, वेरियंस इज इक्वल टू एन इंटू पी। मीन और वेरियंस बराबर होते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, रूट वेरियंस, तो इज इक्वल टू रूट मीन इज इक्वल टू रूट एन पी। बस वेरियंस तो पता है, स्टैंडर्ड डिवीजन तो पता है, वेरियंस का रूट रिलेशन बताना है मीन और वेरियंस में, तो यही मीन इज इक्वल टू वेरियंस। घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं।
अगर आप अभी भी है ना एल डाइन वाली वो बुक है उसको सोल्व करोगे, उसमें 5-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखोगे आप डिस्ट्रीब्यूशन वाले, तो ये क्वेश्चन देखोगे आप सारे के सारे इसी प्रॉपर्टी पर। इसको सिर्फ बढ़िया एक आइडिया बताता हूँ जो मैंने किया था, सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, इसको एक बार पढ़ लिया अच्छे से लिख लिया या फिर जो भी नोट्स में डालूंगा वो देख लिया, उसके बाद तुरंत इसके ऊपर से क्वेश्चन उठाओ 5-4 के वो करो, उसको आप जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना आपका ज़्यादा याद होगा। ये मैंने भी ये समझे नहीं थे, बस इनको याद करके क्वेश्चन किए थे और इसके ऊपर कोई मैंने आराम से 100 से 200 क्वेश्चन करे थे इसी चैप्टर के, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो करे ना था मेरे को एकदम अच्छे दिल से याद हो गया कि इसमें क्या है। एडिंग प्रोबेबिलिटी वही है कि एक्स प्लस वाई करेंगे तो पी बार अंदर एम वन प्लस एम टू। स्क्यूनेस है ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, अब इसकी स्क्यूनेस देखी थी अपन ने, ये सारा होता है सिमेट्रिक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और ये जो है ना नॉर्मल पॉइजन वाला ये ओनली ना वो पॉजिटिव स्क्यूड होता है, और मोड इसमें वही सेम है यूनिमोडल और ना बाई मॉडल। यूनि मॉडल में जब एम की वैल्यू नॉन इंटीजर आती है जैसे 2.5 आ गई तो नॉन इंटीजर है तो वो एक ही मोड होगा और वो भी इंटीजर पार्ट टू, और बाई मॉडल जैसे कि वो वैल्यू एन की वैल्यू आ गई 2 तो उसके दो मोड होंगे, एक तो एन इज इक्वल टू 2, एक होगा 2-1 मतलब 1। अब आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसका दूसरा नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला याद कर लो, इसका फॉर्मूला अभी पेपर में आया था, मेरी बहुत बढ़िया किस्मत है जो मेरे को ये याद रहा था। याद नहीं करना है, मतलब आपको ऐसा ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको एग्जाम में सेम टू सेम फॉर्मूला लिखा हुआ जाएगा, सेम टू सेम, ये म्यू है ना इस म्यू की वैल्यू पूरा फॉर्मूला सेम, इस म्यू की जगह लिखा आएगा 4 और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मैं भी आगे बताऊंगा। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ये सिग्मा रूट में 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। इसमें सिग्मा आया था उस टाइम, ये याद आ गया। अब यह इट इज़ बाय पैरामीट्रिक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें यह म्यू है ना, ये वाला म्यू ये तो मीन है और ये जो सिग्मा है ये स्टैंडर्ड डिवीजन है। ठीक है, आपको पता है स्टैंडर्ड डिवीजन। अब पेपर में एक सब पूरा फॉर्मूला आ गया जो अभी वाला आया था नॉर्मल वाला, उसमें शायद ये 2 सिग्मा स्क्वायर की जगह लिखा हुआ था, क्या लिखा होता है इसमें 64 लिखा होता शायद, तो मेरे को याद था कि यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर होता है, तो 64 में पहले मैंने 2 का डिवाइड किया तो ये बचा फिर नहीं 32 था शायद, तो 32 में मैंने 2 का डिवाइड किया तो वो बचा 16, मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 4 और इस सिग्मा क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसमें क्वेश्चन में भी बहुत घुमा के पूछा था, इसमें ये देख के उसने वेरियंस की वैल्यू पूछ ली, सब लोग अटक गए थे, पर मेरे को याद था कि 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ अपन को 32, तो ना 2 उधर जाएगा तो बचेगा 16, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा 4, सिग्मा इज इक्वल टू 4 है तो वेरियंस क्या होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा, तो 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, बस ये चीज़ है। और मैंने ये क्वेश्चन पास्ट ईयर भी ऐसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, हर बार एक इसमें से क्वेश्चन आ रहा था कि कभी इसमें सिग्मा पूछ लेता है, कभी ये म्यू पूछ लेता है, ये मीन होता है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, तो ये फॉर्मूला बस ध्यान में होना चाहिए कि ये ऐसा होता है, रट लो चाहिए इस फॉर्मूले को यार, बाई पैरामीट्रिकल होता है ये भी। और इसमें ना इसका जो नॉर्मल कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल कर्व होता है बेल शेप का, जैसा से होता है ये भी बेल शेप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये जो म्यू है मीन है, मीन के इधर 50% है और इधर भी 50% है, ये प्रॉपर्टी। इट इज़ ए बेल शेप सिमेट्रिक कर्व, इट नेवर टच हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये कभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी, इस पूरे कर्व के अंदर जो एरिया वो उसकी वैल्यू है 1, जिसको यूनिटी भी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी तो यू तक 0.5, क्योंकि इस पूरा पूरा 1 है ये, और यहाँ तक का 0.5 और यहाँ तक का 0.5, 0.5 और 0.5 मिलके 1। ठीक है, ऑल थ्री एवरेज आर इक्वल, इसमें मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट होगा ये इसमें से आएगा सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, अभी भी शायद अब की बार मेरे वाले टाइम में 3 क्वेश्चन आए थे इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, बस इसको याद कर लो। रिलेशनशिप बिटवीन क्यू डी एम डी एस डी, क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशनशिप पूछी है, तो या तो आप ऐसे याद कर लो या फिर मैंने तो देखो ऐसे याद किया था कि क्वार्टाइल डेविएशन होता है 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन होता है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.8 इंटू एस डी, 0.675 इंटू सिग्मा और 0.8 इंटू सिग्मा क्वार्टाइल। इसकी एक ट्रिक भी बनाई थी यार, वो याद नहीं आ रही है, क्वार्टाइल मीन सिग्मा 5 वो याद नहीं आ रही है, और को 0.6 करना है उसको, क्वार्टाइल मीन स्टैंडर्ड 654
6.65, ऐसे ये याद कर लेना आप। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.675 इंटू सिग्मा, और मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 इंटू सिग्मा। ये ऐसे याद नहीं होगा, इसको याद करके इसके ऊपर क्वेश्चन लगाओ, सौ से ज़्यादा आराम से याद हो जाएगा, और पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा पेपर में, दो या तीन तो आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। अपर एंड लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? तो अब क्यू वन तो होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और क्यू थ्री होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। 0.675 सिग्मा क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्यू वन तो होता है म्यू माइनस क्वार्टाइल डेविएशन, और क्यू थ्री होता है म्यू प्लस क्वार्टाइल डेविएशन। इसको अपर क्वार्टाइल और इसको लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड है, उस जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए म्यू की वैल्यू जीरो रहती है हमेशा, और सिग्मा की वैल्यू वन रहती है। और ये जेड का फॉर्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक तरफ से देखें तो जेड इज इक्वल टू एक्स ही आएगा उसका आंसर। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब पॉइंट वेन नॉर्मल कर्वेचर चेंज इट कर्वेचर, मतलब ये जो कर्व है, ये जो मुड़ रही है, जहाँ पे ये मोड़ लेती है, उस मोड़ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देख सकते हैं ये म्यू माइनस सिग्मा, ये म्यू प्लस सिग्मा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ये भी आपके बार आया था एग्जाम में फॉर। और अगर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा। और अपन को पता है स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है और सिग्मा की वैल्यू हमेशा वन रहती है। स्टैंडर्ड के लिए म्यू की जीरो, सिग्मा की वन। और इसका पक्का क्वेश्चन आएगा एक घुमा के, यह बोल देगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वैसे म्यू प्लस माइनस सिग्मा होता है, म्यू की वैल्यू जीरो और सिग्मा की वैल्यू वन, तो प्लस माइनस वन आंसर होगा। ऑप्शन क्या आएगा? ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन में होगा, आपको ये टिक करना है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट रिप्रेजेंट लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन बाय ये, इट इज डिनोटेड बाय एफ। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिक्टिव प्रॉपर्टी इसकी, मीन की म्यू वन म्यू टू और म्यू वन प्लस म्यू टू, स्टैंडर्ड डिविजन सिग्मा वन सिग्मा टू, रूट में सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू। इसके ऊपर एक अच्छी सी उसमें आई है चैप्टर, उसके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट में लिखा हुआ मेरा। ये एरिया कर्व बाय यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब क्योर भी आया था शायद। इसमें तीन चीज़ होती है, एक तो होता है म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा, एक म्यू प्लस माइनस वन सिग्मा, म्यू प्लस माइनस फाइव सिग्मा, टू सिग्मा ऐसे। तो ये म्यू होता है, आपको पता है ये इस पूरी लाइन के नीचे का एरिया वन होता है, यहाँ तक का 0.5 होता है, यहाँ तक का 0.5, इतना क्लियर। अब म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा है ना, ये कितना एरिया कवर करता है? म्यू प्लस माइनस थ्री मतलब म्यू प्लस थ्री से लेके म्यू प्लस थ्री सिग्मा से लेके म्यू माइनस थ्री सिग्मा तक, ये तो आगे तक इन्फिनिटी तक चलती है। ये जो एरिया, ये कितना होता है? ये होता है 99.73%। और क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा तेरे को कि म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा कितना कवर करता है, ये तो सबको पता है कि ये 99.73% कवर करता है। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एरिया नॉट कवर बाय म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा, कि म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा कितना एरिया कवर नहीं करता है, तो वो आएगा 0.27% या फिर 0.0027। ये क्वेश्चन अब क्या एग्जाम में आया था, 100% मैंने देखा था। तो क्वेश्चन ये ठीक है, तो ये अपन ने क्यू की रिविजन देख लिया, इसका भी मैं स्कैन करके ये भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और आप इसको पक्का कर लो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत क्वेश्चन आएंगे और आराम से निकलेगा, मैंने भी किए थे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और एक मैं थोड़ा सा छोटा सा बिहाइंड द सीन एक फ़ोटो डाल देता हूँ, स्टैंड नहीं था तब तक के लिए। ओके।